यह नॉथेंग भी एक तरीके की प्योर सिल्वर से बनी हुई ट्रेडिशनल ज्वेलरी, कानों में पहनने वाली बालियां, और जिसके आधार पर बना हुआ है बहुत ही खूबसूरत एक म्यूजियम। आज मेरी यात्रा आपको लेकर जा रही है नॉथेंग भी, यानी कि कार्बी आंगलोंग के बहुत ही खूबसूरत शहर डिफू की ओर। गुवाहाटी से डिफू 250 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से काफी सारे बसेस की सुविधाएं भी हैं। सुबह 5:30 बजे की बस लेकर हम भी जा रहे हैं डिफू, सुंदर नजारों को देखते हुए। तो गुड मॉर्निंग, तो आज हम दोनों जा रहे हैं डिफू घूमने के लिए और मेरे साथ मेरी ब्रांड एम्बेसडर जुंटी है। तो जुंटी आज क्या क्या करने वाले हैं? आज हम लोग जा रही है प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए, देखते हैं क्या क्या हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी व्यस्त में हूँ और पहुँचने वाले हैं 1 घंटे के बाद। यस। यात्रा जो है वो हमारी शुरू हुई है ऑटो के साथ और हम जा रहे हैं मेन टाउन पे। यहाँ पे हमें एक ऑटो के भैया मिले हैं जो हम दोनों को लेके जा रहे हैं और फिर वहाँ से हम आगे का जो रोड मैप है, जो शेड्यूल है, वो बनाने वाले हैं। डिफू पहुंचने के बाद हमारा सबसे पहला डेस्टिनेशन है तारा लंगशु पार्क। लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर ये पार्क स्थित है और यहाँ की खूबसूरती बहुत ही ज्यादा फेमस है। तारा लंगशु के गेट पर ही आपको वन हॉर्न राइनो के ऐसी मूर्तियां देखने को मिलेगी, साथ ही साथ इसके गेट के एंट्रेंस में भी आपको यहाँ का ट्रेडिशन देखने को मिलेगा। ट्रेडिशनली बनाया गया ये गेट आपका ध्यान आकर्षित जरूर करेगा। खैर, हम जा रहे हैं टिकट के लिए। तारा लंगशु पार्क में एंट्री करने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी और फिर यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको मेन गेट मिलेगा। फाइनली हम पहला डेस्टिनेशन पे आए हैं और ये एक बहुत अच्छा और सुंदर पार्क है। मैं और जुंटी, सिर्फ हम दोनों ही हैं इस पार्क में, ऐसा लग रहा है। तो देखिए जुंटी, आई दगा आ जाओ। और हम लोग एक हैंगिंग ब्रिज से जा रहे हैं और अगर मैं कैमरा टर्न करूँ तो दिखाती हूँ ये हैंगिंग ब्रिज दिखता कैसे है। इस हैंगिंग ब्रिज को क्रॉस करने के बाद हम फाइनली पहुंचे हैं तारा लंगशु के बहुत ही खूबसूरत पार्क में। ये पार्क इतना खूबसूरत है कि यहाँ पर आपको हर जगह पेड़ पौधे ही दिखाई देंगे और बैठने के लिए ऐसे जगह, चारों ओर हर किस्म के फूल पेड़ पौधे दिखाए गए हैं ताकि आप कितना भी चलकर यहाँ पर आए थकावट महसूस नहीं होगी। तारा लंगशु का एरिया लगभग बहुत ज़्यादा बड़ा है पर हर एरिए में, हर कोने में आपको सुंदर सुंदर फूल देखने को मिलेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्बी आंगलोंग में ही मिलते हैं। यहाँ के स्ट्रक्चर भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। धूप लगने पर आप किसी भी पेड़ के नीचे आराम से बैठ सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए
18 लंगशू का ये पार्क बहुत ही फ्रेशनेस देगा आपको। और हाँ, साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिलेगा बोटिंग करने को। यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे सुविधाएं उपलब्ध हैं बच्चों के लिए और हाँ बड़ों के लिए भी। खैर दोपहर था इसलिए हमने बोटिंग नहीं की, पर आप अगली बार आएँ तो ज़रूर बोटिंग करिएगा। और फाइनली हम पहुंचे हैं नॉर्थिंग पी के इस म्यूजियम पर, जिसके लिए हम गुवाहाटी से इतनी दूर जर्नी करके आए हैं। पर यहाँ का नज़ारा कुछ और ही कहता है, जो कि आपके मन को शांति देगा। और ये रहा कार्बी हेरिटेज म्यूजियम सेंटर नॉर्थिंग पी। वाओ, इसे देखते ही यहाँ तक चलने की जो थकावट है बस वो ख़त्म हो जाती है। चलिए अंदर चल कर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है ये एक हेरिटेज सेंटर है, और यहाँ का कार्बी हेरिटेज सेंटर, और इसका जो लुक्स है वही इतना खूबसूरत है कि आप देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे कार्टून वर्ल्ड में दिखाया जाता है ना, तो उसी तरीके का इसका गेटअप है। बहुत नीचे से इसका जो रूप है वो दिखाई देता है और बहुत अट्रैक्ट करता है। हालाँकि बहुत गर्मी है तो फिर भी हम यहाँ पर आए हैं, तो देखते हैं अंदर जाके देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर। आइए हम आके बैठे हैं कार्बी हेरिटेज सेंटर पे, और यहाँ पे हमने फिर से टिकट लिया है 40 रुपीज़ पर पर्सन का 40। और यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत से एक म्यूज़ियम है, जहाँ पे कार्बी ट्राइबल्स जो है, कार्बी जो कम्युनिटी है, उनके बारे में यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो एक बार हम भी राउंड अप करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कितने अमेजिंग चीज़ें हैं देखने के लिए। यहाँ पे आपने जब ज्वेलरी सारा देखा है, यहाँ पे सारी ज्वेलरीज है, आप देखिए कि जो ये लेडी अपने कानों में पहनी हुई है वो इतना ज़्यादा हैवी और इतना ज़्यादा खूबसूरत है। ओरिजिनल में आपको ये बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन इसका एक बड़ा लुक मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, ये ओरिजिनल जो है इयररिंग्स है जो कि वो लेडी जो है वहाँ पर वो पहनी हुई है। तो ये देखिए कितना बड़ा, अगर कोई बताएगा नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये कानों में पहनने वाला है। ये म्यूज़ियम बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। डिफू में आया तो ये म्यूज़ियम आप मिस मत करिएगा। तो अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। चले, बाय। तारा लंगशू का पार्क और नॉर्थिंग पी म्यूज़ियम बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर आपको कार्बी आंगलोंग के हर एक कल्चर के बारे में पता चलेगा। हमारी आज की जर्नी यहीं पर ख़त्म होती है, पर हाँ डिफू में काफ़ी सारी ऐसी जगह है जहाँ एक्सप्लोर करना अभी बाकी है। तो चले